अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वो सामने आप देख रहे हैं ये है खुन्ना आबशार, खुन्ना वाटरफॉल। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है। तो इसी को देखने के लिए मैं आया हूँ। ये जी बड़ी खूबसूरत आबशार है जिला मिंबर में, खुन्ना गांव के बिल्कुल पास है। तो आए जी, इसके ज़रा करीब चलते हैं। पानी कुदरत की बहुत बड़ी नेमत है और इंसानी ज़रूरत के लिए ये इतना मुफीद है कि इसके बगैर कोई जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी निशानियां दिखाई हैं और इसके बावजूद भी अगर हम सीधा रास्ता छोड़ दें तो मेरा ख्याल है हमसे ज़्यादा सारे में कोई नहीं है। छोटे छोटे पत्थरों पर पाँव रखते हुए ज़्यादातर मैं ग्रुप में या अपने दोस्तों के साथ सफ़र करता हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा खुद को वक्त दें, अकेले सफ़र करें। पहले भी काफ़ी दफ़ा अकेले सफ़र किया है, लेकिन अब मैं तकरीबन 3.5-4 साल बाद घर से निकला हूं, तो कुछ बड़ी अजीब सी फीलिंग है। मेरे पास ट्राइपॉड भी नहीं है, ना ही मेरे साथ दोस्त है। जिस तरह मैंने अपने सामान को एक डंडे की मदद से साथ लटकाया हुआ है, आपने पुराने ज़माने में देखा होगा कि देहाती लोग शहर में जाते हुए अपनी लाठी के साथ अपने सामान को बांध के कंधे पर रख लिया करते थे, कुछ वैसा ही सीन बना हुआ है। आप जब भी ऐसी जगह पे आएँ, आपको जिस तरह मैं नाले में सफ़र कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, आपको भी सफ़र करना पड़े, बारिश के मौसम में आपने नाले को फुल फोर छोड़ देना जी, फुल फोर। पानी इतनी स्पीड से और इतनी ज़्यादा मकदार में आता है कि इंसान संभल भी नहीं पाता। मैं इस नाले में सफ़र कर रहा हूँ, ये देख रहे हैं आप, मैंने नाले को छोड़ दिया और ट्रैक पे हो गया हूँ, क्योंकि यहाँ पाँव फिसलने का खदशा होता है। आप जब भी ऐसे ट्रैक पे निकलें, अपने साथ बरसाती पानी की बोतल, छोटी मोटी मेडिसिन, एक छोटा सा बैग दूर साथ बना के निकलें। ये आगे बहुत सारी और घनी झाड़ियाँ हैं जिन्होंने रास्ता रोका हुआ है, इसलिए मैं रुक गया हूँ। थोड़ा आगे जाने की कोशिश करता हूँ और आपको करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैंने बड़ी कोशिश की है मुझे कोई मुकामी गाइड मिल जाए, उसको उसकी फ़ीस दूँ, उसको साथ लेके आ जाऊँ, लेकिन मेरे काफ़ी इंतज़ार करने के, काफ़ी सारा कोशिश करने के मुझे कोई गाइड नहीं मिला। बहरहाल एक मुअज़्ज़ज़ खतून, अल्लाह उसका भला करे, उसने मुझे खुद ही गाइड किया कि आप ऐसे जाएँ, परेशान ना हो, नज़दीक है और आप चले जाएँगे आसानी से। तो बहरहाल एक दो लोगों ने पूछा आप अकेले हैं, वो बड़े हैरान हुए। बहरहाल जो होना था वो हो गया। आप देख रहे हैं जी आबशार, इसके खूबसूरत नज़ारे। ये दो हिस्सों में है, पहले पानी ऊपर से आ रहा है, नीचे गिर रहा है, फिर वहाँ से बिल्कुल नीचे आ रहा है और फिर ये आगे को बह रहा है। मेरे दोस्तों, इससे आगे मैं नहीं जा सकूँगा, जो मैंने आपको दिखाना था दिखा दिया है, अब मैं वापस जा रहा हूँ। तो आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरी नॉर्मल सी मामूली सी वीडियो तो को भी देखते हैं, बड़ी अहमियत देते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।